आशीर्वाद से मां पंचायत में अपन सबने चर्चा करी ली थी कि जीवाराम जी को निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करवाना चाहिए, तो 12:15 बजे वो नामांकन दाखिल कर दिया। अभी अपने बीच में थोड़ी देर में पधारने वाले हैं दानाराम जी और जीवाराम जी दोनों। आप सबने पिछले 2-3 दिनों से 4 तारीख के बाद से एकदम स्थिति पता चल गई होगी। माननीय मंत्री जी फरमा रहे हैं कि वो रात को गाड़ी में भरोन व्याड़ी गाड़ी में करोन, मेरी हालत खूब खराब है अणपगतापण में, तो अपने मंत्री जी ने रेस्ट करावारी जरूरत है कि नहीं है? है अटीने माननीय एमपी साहब भी फरमावे के टिकट में मांगी नहीं, टिकट मैंने मोड़ाई दी रही, तो एमपी साहब री भी इच्छा नहीं है, तो या हारू या बियो ने अपने वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो अटीने आ राम लक्ष्मण की जोड़ी जीवाराम जी और भाई दानाराम जी ओके आउ लावे ने फरे फरे ने कहे कि मोरे हाथे धोखा हुआ ब्रो, मैं 5 साल थी टिकट मांगा, ए अपने बीच में है ए तनमंती कहे कि मैं टिकट मांगी थी पार्टी ने, ओला बे भाई परेशान है पार्टी भी उन्होंने मोडाई टिकट दिए कहने कोई परेशान वे पगतापण में मैं मालारी जरूरत है रेस्ट की जरूरत है लाज सुनाव के है, तो अणबार ओपे सब 36 बिरादरी रा लोग एसोन उतारो ब्रो, मंत्री जी ने भी घरे बहरा रेस्ट करे अणरे भी रात रात वरत गाड़ियों भरना व्याड़ू करना तो भेजा मारी ओपड़े भी दिया हुए कि नहीं आती अपने, तो मंत्री जी मारे अंदाज आज शमशेर जी ने नामांकन री भीड़ देखे और अपनी आ भीड़ देखे ओपे अनुमान लगावा के ओपे 20-25 हजार मतों थी आराम थी जीतो, जीत तो शमशेर जी रे घोषणा करी उन दिन हुई थी प्री, फिर भी आज नामांकन हारू ओपे आ शमशेर जी भी शमशेर अली जी भी भीड़ देखो प्री एमपी साहब री और आदरणीय जीवाराम जी री ओपती लारे नंबर 2 री भूमिका में मु तो गारंटी रे हाथे कहो शमशेर जी जे सुखराम जी और देव जी भाई तो तीसरे और चौथे नंबर रे, और बिश्नोई समाज और चौधरी समाज तो बहुत समझदार कौम है जो लगभग एक ही बोर्ड खराब नहीं करे, मोने वावड़ आवे मैं भाईसणों में भरा मोने फोन थी सोशल मीडिया के माध्यम थी सब लोग के कि मैं लास्ट में एक तरफा वोट करियो, भले हमने 4 जन उठे एमपी साहब कने गया वे पार्टी रो दुपट्टो गलाम नो गयो वे वो सब भाई उठे उबा है वे भी वोट आदरणीय जीवाराम जी ने करे और जीवाराम जी भारी मतों विजय वे, अपने थोड़ो टल्लो देवारी थोड़ो हिम्मत रखवारी थोड़ो बूथ संभाड़वारी जरूरत है, अणमाहौल ने 25 तारीख तक बूथ हुआ ईवीएम री पेटी में अब यह माहौल ने किकन डाले है गौ अण हारू हर बूथ माते बोट लावारू साधनों री व्यवस्था बोट देरावारी व्यवस्था कोई अपनो प्रवासी भाई दुआ ने बोलावारी व्यवस्था, और 25 तारीख थी पहला 10 दिन पहला हमके पार्टी भी सॉरी चुनाव आयोग भी एक सिस्टम करियो है कि दिव्यांग और वरिष्ठ लोगों रा मत बीएलओ और जो बाहरली पोलिंग पार्टी आवे न घर घर फरेन उरो वोट ले ये हारू आपरे हावसियता री सतर्कता री जरूरत है, क्योंकि बीएलओ 80% कांग्रेस समर्थित लोग है अण हारू आपरा वरिष्ठ आदमी रो वरिष्ठ परिवार रो जो बुजुर्ग है दिव्यांग है वह मतरो एकदम सही सटेक अपनो जो निशान आवे वह माते बटन दबावनो है, तो यह मंत्री जी ने भी अभी व्योम दे है को और माननीय एमपी साहब की एमपी साहब ही कहे कि मैंने टिकट मोड़ाई दी दी है, यह हरू यह बेहर इच्छा नहीं है यह बे भयर इच्छा है अपनी रखवाली करे मोड़ाई माड़े साड़ोड़ा कह गौ मामा आगोटा करे,
ये ब्योरे अपने ये मोंगे एले यो के आवासु लावे ये खर्चो करियो है 30-30, 35-35 साल थी लोगो रो हड़ीपणो करे दोन जी भी पिछला 6 साल थी फील्ड में रे सुख दुख में हाथे ऊपर रिया ये हारू आदरणीय जीवाराम जी ने भारी मतों विजय बनावे और अपनी विधानसभा में भेजो तो 5 साल अपने दुख नहीं देखना पड़े नहरों में पानी आवे लाइट रेगुलर आवे सड़कों बने जो अने जिला री घोषणा करीबरी कॉलेज री करीबरी स्कूल री करीबरी एक घोषणाओं कोई वेतो नहीं है ए मौका माते धरातल माते कंस्ट्रक्शन बिल्डिंगो जो भी वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति ए आवा वाला ओमड़ा राजमेज भाई और 2025 में पंचायती राज रा सुनाऊं पहला पंचायती राज में भी परिसीमन वे ये हारू अपने सख्त जरूरत है जीवाराम जी ने जीतावारी अगर जीवाराम जी ने थोड़ा भी बाईसांस ला रहे रिया परा तो ए 5 साल काटिया है यो दगला 5 साल बहुत खतरनाक वे ध्यान रख जो मोरे तो ओड़े जोड़े कांग्रेसी और जाड़े मंत्री जी कह के मैं सम्मान करियो सोराया सोराया माते मूर्तियों लगाई वो करियो सतीश गोम ने मैं मंत्री जी ने कहना चाहूं कि आपरा कांग्रेसी कार्यकर्ता वार्ड पंच में भी त्याग नहीं करता है सोसाइटी अध्यक्ष में हमारे परिवार के कोई वरिष्ठ जन खड़े हुए तो उनके लिए भी उन्होंने घरे बुलावे के थे चा पीना धगे गाड़ी पर नाटावरा आपके कार्यकर्ताओं को सरपंच बनाने के लिए आकोली ग्राम पंचायत में से आकोली गोलिया ने अन्यतर मूल गांव थी आकोली मोहवेन भरेन और खिरुड़ जानो पड़े हालांकि खिरुड़ी वाला तो समझदार लोग था आकोली गोलिया वाला भी मान सम्मान राखे और उप सरपंच पद उन्होंने दीदो पर सिर्फ उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ता 2-3 बार हारता था वह सरपंच की गण जीते मालवाड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने प्रिंसिपल साफो नहीं बंधायो हुआ हारुआ प्रिंसिपल ने ट्रांसफर करवाई जबकि ज्यादा बच्चा एससी एसटी रा और एससी एसटी री बच्चियों वोटे पढ़ती थी जो उन्होंने आदेश सांभियो और मे भी उन बच्चों रे उन विद्यार्थियों रे डिमांड माते 5 दिन उड़े तड़के बढ़िया कुआसियों भी उड़े स्कूल रे धके गेट माते बैठी रही पर आदेश मंत्री जी नहीं कराया हुआ 2-3 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की वजह थी योरे सिर्फ कन्नी नहीं पड़ी है कोई समाज री नहीं पड़ी है इनके हर गांव में एक एक दो दो ऐसे कार्यकर्ता है उनके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है तो पसे अपने योरे लारे ठलडाणो में योरे वोट दी दो काम मतलब थाने सरपंच भले जनरल सीट वो ओबीसी सीट वो कई सीट वो होम आए थोड़े तैयार है वार्ड पंचों में तैयार है डेलीगेटों में तैयार है हमें मंत्री जी कह दोरो पगदाबन में दोरा वो तो गौरव भाई तैयारी करता था जयंती जी करता था बिश्नोई समाज में कहूं आप अन काबिल कोई विधायक रे काबिल कोई नहीं है वरे उम्मीदवार कहूं परंतु अनोरे सिर्फ गरीब पड़ी है और अनोरे लेवल तक नंबर 2 री भूमिका में भी कंडे नहीं आवड़ो देवड़ो चावे यारू बिश्नोई समाज रा लोग भी खूब समझदार है और चौधरी समाज रा भी आप वोट जठे कार करे उठे वोट दे जो फालतू वोट कमायो में कोई अर्थ नहीं है देवजी भाई जीतता नहीं है सौते नंबर है और जो भी पार्टी रो ठेको लेन बैठा के पार्टी पार्टी आदमी हालात कब्जा में रखे तो पार्टी बीजी कोई नहीं है काले आप राते न्यूज देखी भाई कर्नल सोनाराम बुढ़ा मालवणी थी राते टिकट लेने आया और पहल के रातों रात बाड़मेर टिकट लेने आया रहा यह पार्टी और कैरी नहीं पड़ी है ओपने पड़ी है ओपने रखवाड़ा री जरूरत है ओपने सुरक्षा री जरूरत है अमन चैन री जरूरत है नहरों में पानी री जरूरत है रोडो री जरूरत है कालेपुर में नगर पालिका क्षेत्र में कारी करबो करियो रोडो रो 15-20 दिन आरू लालडा 5 सालों व्यापारी झटकनी मारे मारे ग्राहक तो आवे नहीं पण गाड़ियों हाले धूमफलडो डेली और सामान में भराए उनका विकास करायो है विकास कटे हुए अपने ओकर होमो कटे विकास हुआ नेड में जाए तो के बुने विकास करायो है बुने जाए तो के नेड में विकास करायो है विकास करायो गांवटा कटे है विकास तो अतरो गोंडो हुआ ब्रो है के जीवता आदमी नगर पालिका रे नालियों में बेन वरी जान गमावनी पड़े और नगर पालिका रा चेयरमैन सभापति महोदय
आ वीडियो देखी हुए तो उठे गोवा में हनीमून मनावा जाए कि मैं विकास करियो है हमें विकास राम जाने घर रो करियो है कौन कह रो करियो है यार आप 36 कोमरा लोगों ने एक इस विनती है और खास करें चौधरी समाज रा लोगों ने विनती है कि आप 25 तारीख रे दन आप होसे हमजे आप रे आत्मा माते हाथ रखे और बोर्ड भाई जीवाराम जी ने दे जो बोर्ड थोड़ो फाउल नहीं जाएला अगर उठिन बोर्ड दी तो उगारी कोई गणतरी नहीं हुए और उठे चौथे नंबर रे और आप तो समझदार हो लगभग मन भरोसा है और कह भी है पंच पटेल के मैं एक तरफा वोट करियो और मैं भी जो भी भाजपा रहा भाजपा को है पार्टी मन कहती जो है 36 गोमरा लोग बूथ संभालियो तन मन ती मेहनत करियो और 36 गोम ने भी राज में भागीदारी मिले छोटा मोटी ओपड़ी रखवाड़ो भाई जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया आदरणीय राजीव सिंह जी। अगले वक्ता के तौर पर मैं समस्त व्यापार संघ के अध्यक्ष भाई हरीश जी चिलू से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और अपना संबोधन प्रदान करें। एक जिनके भी 30,000 रुपए भाई इनके किसी को मिले तो मंच तक पहुंचा देना। आदरणीय